आप सभी का स्वागत है आज की इस कहानी का नाम है बुद्धिमान बूढ़ा विजयपुर नाम का एक गांव था जहां नत्थु नाम के एक व्यक्ति को गांव के सभी बच्चे और बड़े सलाहकार काका कहा करते थे क्योंकि नत्थु काका आए दिन कोई न कोई सलाह देते रहते थे एक दिन गांव के बच्चे नत्थु काका के पास आते हैं और कहते हैं काका आज की सलाह क्या है नत्थु काका सलाह देते हुए कहते हैं पास के मेले में एक बड़ा गाँव लगा है तुम सबको वहाँ जाना चाहिए मेरा यकीन मानो मजा ही आ जाएगा सभी बच्चे मिलकर जोरों से हंसने लगते हैं फिर नत्थु काका अपने माथे को खुजाने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे बच्चे हंस रहे हैं गांव के बच्चे कभी कहते हैं काका का मतलब है कि पास के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है और अगर हम सब वहां जाएंगे तो हमें बहुत मजा आएगा फिर बच्चों के साथ साथ नत्थु काका भी जोर जोर से हंसने लगते हैं उन बच्चों में से एक कहता है हाँ चलो दोस्तों हम सब मेले में चलते हैं बहुत मज़ा आएगा और कुछ पैसे भी साथ ले लेंगे सभी बच्चे पास के गांव में मिला देखने चले जाते हैं उसके बाद गांव का सरपंच सलाह के मामले में नत्थु काका के पास आता है और कहता है नत्थु काका, जरा हमें भी सलाह दे दीजिए दरअसल उस पीपल के पेड़ के होने से गांव के लोग यहाँ आने से डर रहे हैं नत्थु काका सलाह देते हुए कहते हैं कि लोगों के पेड़ से डर काट दिया जाए ताकि डर के मन से भूत निकल जाए ये सुनकर गांव का सरपंच अपना सिर खुजाने लगता है और कहता है क्या मतलब नत्तु काका? नत्थु काका कहते हैं ए वे वह मेरा मतलब गांव से इस पीपल के पेड़ को ही काट दो ताकि लोगों के मन से भूत का डर निकल जाए सरपंच कहता है पर लोग तो इस पीपल के पेड़ से बहुत डरते हैं तो इस पेड़ को काटेगा कौन नत्थु काका अपने बगल में रखे पानी के गिलास को उठाते हैं और एक घूट पानी पीते हुए कहते हैं मैं इस पेड़ को काट लूंगा ये सुनकर गांव का सरपंच कहता है इस उम्र में आप पेड़ काटेंगे आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे नत्थू काका कहते हैं तुम्हें पता नहीं है लेकिन मुझ में अभी भी बहुत ताकत है बच्चू गांव का सरपंच कहता है तो फिर चलिए नत्थू काका नत्थू काका सरपंच के पीछे पीछे एक बड़ी सी आरी लेकर चल देते हैं नत्थू काका पेड़ काटना शुरू कर देते हैं पेड़ काटते काटते दोपहर का वक्त हो जाता है और वह थककर पेड़ को आधा कटा हुआ छोड़कर ही वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं रास्ते में उनका पड़ोसी मुंशी उनसे टकराता है क्यों भाई नत्थु आज कौन सी सलाह दे रहा है थोड़ी देर सोचने के बाद नत्थू काका ने कहा भाई गहनों और पैसों में ज़हर है ये सुनकर मुंशी कहता है भाई अच्छा रहेगा कि तुम ऐसी फ़ालतू की सलाह देना बंद कर दो नत्थु काका हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया इसके बाद मुंशी वहां से चला जाता है काका इस बात को गांव के लोगों को बताना शुरू करते हैं लेकिन सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं गांव में एक जगह पेड़ के नीचे बैठा दो चार लोगों का एक समूह नत्थू काका के बारे में बात कर रहा है आजकल नत्थू काका पागल से हो गए हैं आए दिन कोई ना कोई अजीब सी सलाह देते रहते हैं इधर नत्थू काका अपने घर पहुंचते हैं नत्थू काका की पत्नी कहती है अच्छा आ गए अपनी फालतू की सलाह बाँट कर आज कौन सी सलाह देकर आए हो सारे दिन यही फालतू के काम करते रहते हो कितनी बार कहा है कि दो पैसों का जुगाड़ कर लो लेकिन नहीं वह तो तुमसे होने से रहा नत्थु काका इंसान हारा थका घर वापस आया है लेकिन तुम खाना पूछने की बजाय उसे डांट रही हो नत्थु काका की पत्नी तो और क्या खिलाऊं सारे पैसे तो तुमने जुए की लत में उड़ा दिए नत्थु काका अगर ऐसा ही है तो तुम कुछ क्यों नहीं कर लेती नत्थु काका की पत्नी अब बस यही रह गया है घर का काम भी करूं और बाहर का भी सच कह रही हूँ अगर तुम अपनी इन बुरी आदतों से बाज नहीं आए तो मैं सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी नत्थु काका हाँ हाँ चली जाओ तुम्हारे मायके में कौन सा कुबेर का खजाना है नत्थु काका और उनकी पत्नी निर्मला में हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी कहा सुनी हो जाती थी निर्मला कभी भी नत्थु काका को निथलने होने का ताना देती रहती थी नत्थु काका की भी इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे बहुत दुखी होने के बाद और बहुत सोचने के बाद नत्थु काका को एक युक्ति सूझी काका ये दोपहर का वक्त है सभी औरतें अपने अपने घर में सो रही होंगी और आदमी काम के सिलसिले में घर से बाहर होंगे यह अच्छा मौका है मुझे सभी के घरों से कीमती जेवरात और पैसे चुरा लेने चाहिए अगले दिन दोपहर के वक्त नत्थु काका सभी के घरों से जेवरात और गहने पैसे सब कुछ ले आते हैं और उस आधे कटे पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा करके दबा देते हैं नत्थु काका यहाँ तो किसी को शक होने से रहा कल सुबह सुबह यहाँ से मैं इन्हें ले जाऊंगा सबको तो लगता है कि यहाँ कोई भूत है तो यहाँ कोई आने भी नहीं वाला पता नहीं काका के मन में क्या चल रहा था उन्होंने वहां उन सभी चीज़ों को छुपा दिया और वहां से घर के लिए चले गए अब रात का वक्त था रात के लगभग ग्यारह बजे बज रहे थे और काका गांव भर में पहरा लगा रहे थे जब निर्मला की नज़र उन पर पड़ती है तो वह सवाल करते हुए कहती है क्यों आप सलाहकार के साथ साथ पहरेदार भी बन गए हो क्या नत्थू काका कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही निर्मला कहती है मुझसे अपेक्षा मत रखना कि मैं भी तुम्हारे साथ चौकीदार नहीं बनूंगी मैं जा रही हूँ सोने के लिए नत्थु काका आगे भी इसी तरह टहलते रहे और पीपल के पेड़ की ओर देखते रहे नत्थु काका को टहलते टहलते रात के दो बजे बज गए और उन्हें नींद आने लगी इसके बाद वह अपने घर के बाहर ही खाट लगा कर सो गए अगली सुबह गांव के लोगों की जब नींद खुली तो सभी का सर भारी भारी सा लग रहा था तब उन्होंने गौर किया कि उनके घर में पैसे और जेवरात सब कुछ चोरी हो गया है पूरे गांव में चोरी का शोर मच चुका था ये सुनकर निर्मला आती है और नत्थू काका को नींद से उठाती है सुनो सुनो मेरे गहने जेवरात और पैसे नहीं मिल रहे हैं आसपास के घरों में भी चोरी हो गई है सभी गांव वाले घबरा जाते हैं मुंशी सभी लोगों के सामने कहता है हुन हो ये सब इस नत्थू का ही काम है क्योंकि कल दोपहर में इससे मिला था तो ये कह रहा था कि गहने और पैसा सब कुछ जहर है सभी लोग इकट्ठा होकर नत्थू काका के पास आते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं नत्थु काका अपने बचाव में कहते हैं देखो मैंने कोई भी चोरी नहीं की है ये सब सुनकर निर्मला कहती है अच्छा तो अब तुम चोरी भी करने लगे नत्थु काका कहते हैं देखो अब तुम तो मुझ पर विश्वास करो गांव का एक व्यक्ति कहता है हाँ जरूर इन्होंने ही चोरी की होगी तभी तो गांव के बच्चों को बहला फुसलाकर पास के गांव में भेज दिया था उसी समय गांव के बच्चे भी वापस लौट आते हैं और नत्थु काका से कहते हैं नत्थु काका आपने हमें बेवकूफ़ बनाया पास के गांव में तो कोई मेला नहीं लगा है हमें खेलते खेलते शाम हो गई थी इसलिए हम कल रात बंटी के घर पर ही रुक गए थे गांव का एक व्यक्ति कहता है देखा इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया ताकि ये इस गांव में चोरी कर सके निर्मला कहती है अच्छा तो तुम कल रात इसीलिए सोए नहीं मुंशी कहता है तो अच्छा कल रात तुमने चोरी की है नत्थू काका कहते हैं अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है मेरा विश्वास करो गांव के लोग कहते हैं चलो इनके घर में तलाशी लेते हैं सभी गांव वाले नत्थू काका के घर में तलाशी लेने लगते हैं और उनके घर का सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं तभी बच्चों की नज़र पीपल के पेड़ की ओर पड़ती है जो कि आधा कटा और जमीन पर पड़ा हुआ था जिसके नीचे दो आदमी दबे हुए थे तभी वे बच्चे कहते हैं ये दो आदमी गांव के लोग मिलकर दोनों को होश में लाते हैं और दूसरी ओर सरपंच भी पुलिस को वहां ले जाता है उन दोनों लड़कों के नाम कप्तान और संपत थे कप्तान और संपत कहते हैं पुलिस पुलिस यहाँ कैसे आए गाँव का एक व्यक्ति हाँ पुलिस क्योंकि कल रात गांव के सरपंच को वापस लौटते हुए देर हो गई इसलिए वह मेरे घर पर ही रुक गए थे हम दोनों ने इन दोनों को देख लिया था पर इन्होंने हमें एक फूल सुनगाया और हम बेहोश हो गए नथू काका कहते हैं मैंने कल ही अखबार पढ़ा था कि ये दोनों विजयपुर के आसपास ही घूम रहे हैं इसलिए मैंने पूरे गांव के गहने पीपल के नीचे गहरे गड्ढे में सुरक्षित रखे हुए हैं मैंने आपसे कहा था कि गहने और पैसों में जहर है कप्तान और संपत अपनी गलती को छुपाने के, के लिए कहते हैं हम दोनों बहुत आलसी हैं और कोई काम भी नहीं करना चाहते इसलिए चोरी करते हैं हम यहाँ बच्चों को अगवा करने और गहने और पैसे लूटने के लिए आए थे लेकिन कल जब हम यहाँ आए तो ना तो हमें बच्चे हाथ लगे और ना ही पैसे तभी इन दोनों ने हमको देख लिया तो हमने इन्हें बेहोशी की हालत में लाने के लिए फूल सुंगा दिया इस एक दवाई को फूल पर छिड़कने से इंसान बेहोश हो जाता है कप्तान कहता है लेकिन जब हम निराश होकर वापस लौटने लगे तो ये पीपल का पेड़ हम दोनों के ऊपर आ गिरा और हम उसके नीचे दब गए पुलिसकर्मी कहता है अच्छा बच्चे बहुत दिनों से तुम दोनों ने नाक में दम कर रखा है आज हमारे काका की मदद से तुम हाथ लगे हो बच्चू चलो थाने आज तुम्हारी जमकर खुशामद की जाएगी कप्तान कहता है अरे दरोगा साहब कुछ भी करना लेकिन पिछवाड़े पर डंडा मत मारना पिछली बार बैठने में काफ़ी तकलीफ हुई थी पुलिसकर्मी गुस्से से साथ चलने को कहता है और दोनों को गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाता है गांव के सभी लोग नत्थु काका की इस हरकत से काफी खुश हुए और माफी मांगने लगे नत्थु काका हमें माफ कर दीजिए आपने तो इन बच्चों की ही नहीं बल्कि हमारे गहनों और पैसों की भी कड़ी हिफ़ाज़त की है शायद हम होते तो इस समस्या का समाधान ही नहीं कर पाते नत्थु काका ये तुम्हारे ही नहीं बल्कि इस गांव के भी बच्चे हैं ऐसे कैसे कोई हमारी नज़र पर गांव रख सकता है और वह भी नत्थू के होते हुए तभी सभी बच्चे मिलकर कहते हैं देखा हम सब इन्हें ऐसे ही सलाहकार काका नहीं कहते और सभी हंसने लगते हैं इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं